यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बच्चा यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इसी तुम में काम करो, इसी छोड़ो काम करो, इसी तुम में काम करो, इसी छोड़ो। नमकाश भगत है ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी जम्मू महानगर। देखिए आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है वो हमने 14 अगस्त 2020 को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था कि फीस रिडक्शन इस साल के एकेडमिक ईयर की है वो की जाए, परंतु अभी तक उस पर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर हम बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की तो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर को भी 14 तारीख को ही मेमोरेंडम सबमिट हुआ था और उन्होंने नोटिफिकेशन जो है फी रिडक्शन की निकाल दिया है, बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अभी तक विद्यार्थियों के हक में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लस्टर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में फीस रिडक्शन दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर आपको विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ता हुआ आपको रोडों पर दिखाई देगा और धरना प्रदर्शन करता दिखाई देगा इस पेंडेमिक के दौरान। धन्यवाद। नियति SFD कन्वीनियर जम्मू महानगर ABVP से, हमारा यही आज हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टल है वो 4 दिन के लिए खोला गया था बच्चों के लिए, जो उस दूर दराज के लोग हैं वो बच्चे जो हैं अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं इंटरनेट कम फैसिलिटीज़ होने के कारण। तो हमारा यही कहना है कि पोर्टल को 15 दिन के लिए और अगले 15 दिन के लिए खोला जाए ताकि जो बच्चे बाहर दूर के बच्चे हैं वो भी इस पोर्टल पर अपनी एडमिशन को कर सके, नहीं तो अदरवाइज उनका साल वेस्ट हो जाएगा। अगर VC ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम इसी तरह रोडों पे निकले रहेंगे। महानगर छात्र प्रमुख, जो आज का प्रोटेस्ट है हमारा इन्हीं इशू को लेकर है। पहला तो ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एडमिशन है वो दोबारा से खोली जानी चाहिए और जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो एडमिशन है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए। और जो तीसरा जो विषय है हमारा वो ये है कि जो फीस रिलैक्सेशन है, हम यही मांग करते हैं जो हमारी फीस है वो 50% जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता 20,000 सैलरी जो ले रहे हैं एक महीने की, तो वो कैसे बच्चे की 12,000 जो फीस है वो पे करेंगे? तो वो तो बिल्कुल भी असमय नहीं है कि फीस वो पे कर सके। तो हमारी यही मांग रहे कि जल्द से जल्द ये जो फीस है वो रिडक्शन करनी चाहिए, नहीं तो ABVP यहाँ हर रोज प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।